हमारे पास जो होती है वो स्ट्रेट लाइन आएगी। स्ट्रेट लाइन जो होती है वो इस तरह की होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टाइप की होती है, और इसके अंदर जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो ए होता है, जो वाई का कोएफिशिएंट है वो बी होता है। अच्छा जामिन बेटा, ये आप ऐसा कीजिएगा, 6:40 पे ना इसकी अटेंडेंस की पिक्चर बना, 6:40 यस सर, ठीक है पिक्चर बना के व्हाट्सएप पे देख लेंगे। यस सर, अच्छा कैमरा शेयर हो गया बेटा आप लोगों को? अच्छा जी सर, शेयर हो गया है। यस सर, हो रहा है। चले। अच्छा अब देखें, ये स्ट्रेट लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो इसके हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी पता है। अगर हमें स्ट्रेट लाइन दी हो तो उससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं स्लोप। कैसे? कि हम इसको इसके स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो जो एक्स का कोशेंट होगा वो आपका क्या होगा, स्लोप होगा। तो वो हमने अगर फार्मूला बनाया तो वो बना है माइनस ए ओवर बी। ए किसका कोएफिशिएंट है? एक्स का। वाई का कोएफिशिएंट बी है, और जो माइनस आया वो फार्मूले की वजह से आया। अब जैसे कि इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन है, इसका अगर आपने स्लोप निकालना तो ए का ए क्या होगा, टू होगा एक्स का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट क्या बी, वो थ्री आ जाएगा, तो 2/3 और साथ एक माइनस होगा, ये माइनस फार्मूला है। तो किसी भी लाइन का अगर स्लोप निकालना हो तो वो इस तरीके से निकाल। अब अगर दो लाइनें हो तो एक को हम एक के स्लोप को m1 कह देंगे, दूसरे के स्लोप को हम m2 कह देंगे। पैरेलल लाइंस में क्या होता है, स्लोप इक्वल होते हैं। नॉन पैरेलल लाइंस में स्लोप इक्वल नहीं होते। पैरेलल में स्लोप्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। नॉन पैरेलल में m1 m2 के इक्वल, m1 इज नॉट इक्वल टू m2। हम परपेंडिकुलर वाला केस नहीं पढ़ गए कि जिसमें m1 m2 को इक्वल रखें तो -1 आता है, हम वो केस नहीं पढ़ गए। हमने दो केस पढ़ने कि m1 m2 यानी कि या तो दोनों क्या हो, पैरेलल हो, या दोनों पैरेलल ना हो। ठीक है, अब दो लाइनें होंगी, जैसे ये एक लाइन दी हुई है, एक ये दी हुई है। अब इसका अगर हम स्लोप निकालें तो इसमें ए की वैल्यू क्या 1, वाई के साथ जो बी है वो भी 1 है, तो फार्मूला क्या है, ए ओवर बी और साथ क्या लगाना है, माइनस। तो इसका जो स्लोप बनता है वो बनता है m1 इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी इज इक्वल टू -1 ओवर 1, तो ये -1 बनता है, इसके अंदर भी यही बनेगा। तो ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल है। पैरेलल की एक और पहचान मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो एक्स और वाई वाली चीज़ें होती हैं वो सेम होती हैं, सिर्फ कॉन्स्टेंट डिफरेंट होता है। यहाँ पे देखें एक्स और वाई सेम है, कोफिशेंट भी सेम है, ये एक्स प्लस वन का है, ये भी एक्स प्लस वन का है, ये वाई प्लस वन का है, ये भी वाई प्लस वन का है, सिर्फ कॉन्स्टेंट डिफरेंट होती है, तो ये पैरेलल इक्वेशन होती है। जैसे एक और इक्वेशन देता हूँ कि 2x-3y+1=0, एक ये स्ट्रेट लाइन है, दूसरी ले लेता हूँ 2x-3y+7=0। तो ये एक्स और वाई वाली जो टर्म है वो दोनों में क्या आती है, सेम आती है। ठीक है, ये पैरेलल की निशानी होती है कि पैरेलल में स्लोप क्या होते हैं, वो सेम होते हैं। तो पैरेलल की डायरेक्ट पहचान क्या होती है, आप तो स्लोप ही निकाल के चेक कर सकते हैं। वैसे भी कह सकते हैं कि एक्स और वाई वाले जो कोफिशियंट के टर्म्स है वो सेम आते हैं, सिर्फ जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो डिफरेंट आते हैं। 2x+ का है 2x+ का है, 3y- का है 3y-। एक और फॉर्म भी आ सकती है कि जैसे ये ऐसे हो, ये ऐसे हो, पहली वाली इक्वेशन, पहली वाली इक्वेशन ऐसे हो, दूसरी वाली इक्वेशन ऐसे हो। अब आप कहेंगे सर ने तो कहा था कि एक्स और वाई वाली कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, तो यहाँ पे तो 2x-3y आ गए, यहाँ पे 4x-6y आ गए। आप इसमें से टू कॉमन लेके भी देख सकते हैं, टू कॉमन लेके देखें तो क्या बनता है, 2x-3y बनता है। तो कॉमन लेने के बाद आप चेक करें तो एक्स और वाई का कोएफिशिएंट सेम वही आना चाहिए जो दूसरे में। तो ये आपके पास पहचान होती है पैरेलल इक्वेशन। ठीक है, एक्स और वाई वाली कॉन्स्टेंट जो है वो दोनों में सेम होते हैं, सिर्फ सी वाला जो कॉन्स्टेंट है वो डिफरेंट होता है। क्लियर होगी जी बात? जहाँ तक कोई अगर कोई डिस्कस करना हो तो डिस्कस कर लो। सर सर एक इशू है सर, अगर साइन चेंज हो तो, अगर मतलब 2x+3y और 2x-3y दो इक्वेशन हो तो वो सेम होंगी कि नहीं? एक मिनट मुझे लिखने दो, क्या क्या है, 2x+3y+7 जो भी हो, यस सर, 2x-3y। तो देखा ये तो डिफरेंट है ना, ये तो डिफरेंट है ना, ये माइनस आ गई, प्लस आ गई। एक्स और वाई उनके कॉन्स्टेंट भी सेम होने चाहिए, ठीक है, ये प्लस थ्री वाई कॉन्स्टेंट्स के साथ, यस सर, समझ गया। एक्स और वाई वाली टर्म सेम होनी चाहिए, उसका मतलब देखें एक्स और वाई तो दोनों में सेम ही आएगा ना, तो कॉन्स्टेंट सेम होने चाहिए। ठीक है बेटा, ये क्लियर सर। अच्छा अब देखें, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर दो लाइनें हों स्टैंडर्ड फॉर्म में a1x+b1y+c1, दूसरी हो a2x+b2y+c2=0, तो पहले का स्लोप क्या निकालते हैं, ये बुक में जो लिखा हुआ मैं वो बता रहा हूँ, -a1/b1, और दूसरी में क्या बनेगा, -a2/b2। ठीक है, परपेंडिकुलर तो अभी हम पढ़ ही नहीं रहे, परपेंडिकुलर को आप छोड़ दें।
पैरेलल में हम पढ़ रहे हैं कि m1 किसके इक्वल होता है m2 के, तो m1 माइनस a1 ओवर b1, m2 क्या होगा माइनस a2 ओवर b2, ये दोनों सेम होने चाहिए। माइनस अगर हम काट दें तो फिर ये दोनों सेम होने चाहिए, यानी कि जो x का कोएफिशिएंट है और इसका जो x का कोएफिशिएंट है वो सेम होने चाहिए, a1 ओवर a2, b1 ओवर b2 का एल्जीब्रा सेम होने चाहिए, ये वो एल्जीब्रा है। नॉन होमोजीनियस में क्या होगा, अब देखें इसकी डेफिनेशन नॉन होमोजीनियस की, कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई और ये जो जी ऑफ एक्स वाई, ये इस शक्ल में भी हो सकती है, ये इस फॉर्म में भी हो सकती है, तो ये तो होमोजीनियस उसे होंगी अगर इनके ये दोनों क्या हो, होमोजीनियस फंक्शन और उनकी डिग्री क्या हो सेम, ठीक है। और नॉन होमोजीनियस उसे होगी जब ये होमोजीनियस नहीं होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल देखें, ये मेरे पास एक क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फाइव और एक्स माइनस सेवन वाई प्लस वन, अब ये होमोजीनियस नहीं है, ठीक है। होमोजीनियस की मैंने आपको मिड टर्म से पहले एक और चीज़ भी बताई थी कि इनके आप पावर्स देख लिया थे, एक्स की पावर क्या वन, वाई की पावर क्या वन, यहाँ पे एक्स है ही नहीं तो पावर क्या होगी जीरो, तो ये सेम नहीं, तो ये नॉन होमोजीनियस। अब दूसरी ये देखें कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये ऊपर वाली स्ट्रेट लाइन में एक है, नीचे वाली स्ट्रेट लाइन दूसरी है, दो स्ट्रेट लाइन। अब चेक कर लें कि क्या ये पैरेलल है या नॉन पैरेलल, ये चेक कर लें, तो इसका स्लोप क्या बनता है, इसका जो स्लोप बनेगा इसका पहली वाली का माइनस फार्मूले का, ये माइनस फार्मूले का आ गया, एक्स का क्वेश्चन क्या है टू, वाई का क्वेश्चन क्या है माइनस टू, तो क्या आ गया स्लोप टू बाई, नीचे वाले का क्या निकलेगा एक्स का माइनस फार्मूले का, ये माइनस फार्मूले का एक्स के क्वेश्चन क्या है वन, वाई का क्वेश्चन क्या है माइनस है, तो ये क्या निकला है वन ओवर सेवन, तो ये दोनों सेम नहीं, तो ये जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ये नॉन होमोजीनियस है, ठीक है। और नॉन होमोजीनियस में वो केस है कि जब ये दोनों के स्लोप सेम नहीं, नॉन होमोजीनियस में दो केस बनेंगे, स्लोप सेम आ जाए और स्लोप सेम ना, और मैंने सेम की वो भी बताया कि एक्स और वाई वाली टर्म सेम आ जाएंगे, इसमें देखें एक्स और वाई वाली टर्म सेम नहीं, तो ये नॉन पैरेलल है, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो पैरेलल में देखें एक वाली ये लिखी है, ठीक है, टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फाइव, दूसरी वाली लिखी है टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फाइव बाई डैश इज इक्वल टू जे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। आप अगर इसमें देखें तो वैसे तो डायरेक्ट पहचान भी मैंने बता दी है कि 2x माइनस थ्री वाई आ गया, यहाँ पे भी 2x माइनस थ्री वाई आ गया, तो ये पैरेलल हो, मगर चेक करना लाजमी है, m1 इज इक्वल टू माइनस फार्मूले का x का क्वेश्चन 2, y का क्वेश्चन माइनस थ्री, तो क्या आ गया थ्री बाई थ्री, नीचे माइनस फार्मूले का ये वाला, ये x का क्वेश्चन 2, y का क्वेश्चन माइनस थ्री नीचे, तो ये दोनों क्या हो गए सेम। और यहाँ से हम डायरेक्ट भी पहचान कर सकते हैं कि एक्स और वाई वाले टर्म्स के आगे सेम हो, ठीक है। तो दिस वन इज दी नॉन, तो हमने दो हिस्से बनाने, एक पैरेलल और एक नॉन पैरेलल, ऊपर क्या होगी स्ट्रेट लाइन, नीचे क्या होगी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हमने दो केस बनाने पैरेलल और नॉन पैरेलल, तो पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम पैरेलल वाला केस, ठीक हो कि बात, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लें, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर, एनी प्रॉब्लम बताए, नो सर। अब इसका हमने देखें, ये तो हमने चेक पढ़ लिया, अब मेथड पढ़ेंगे, अब मैं मेथड पढ़ा रहा हूँ किसके लिए, पैरेलल के लिए, हमारे जो मेथड है जी, की आवाज़ बहुत कम आ रही है जी बेटा, मैं जी सर, बेटा हेडफोन नए ले लो आप लोग, मैं तो आज फिर नया लेके आया हूँ, इसके अलावा कोई बच्चा बोलते उसकी आवाज़ ठीक आ रही है, आपकी कम आती है, ये कैसे हो, मेरा आवाज़ ठीक आ रही है सर की यार, बेटा देखो लैपटॉप पे नहीं आती है, मोबाइल पे थोड़ा इशू होता है, लैपटॉप इशू नहीं होता, मोबाइल पे इशू होता है, बस थोड़ी होती है। बेटा आज मैं लेके आया हूँ बीट्स कंपनी का, अब मैं बीट्स से नीचे तो नहीं लेके आ सकता कुछ, 5000 का मैं हेडफोन लेके आऊँ, आप कहते हो उसकी आवाज़ नहीं आ रही, अब मैं क्या करूँ, नहीं सर हमने नहीं कहा मैं अच्छी आवाज़ आ रही है, नहीं बेटा उसका इशू तो है ना, उसको सॉल्व तो करना है ना, ठीक है ना, उसको तो सॉल्व करना है, मैं अपनी तरफ से तो मैक्सिमम कोशिश करेगा, अच्छा चले बाद ये लेक्चर के खत्म, ओके सर सही है, मैं लैपटॉप पे भी ट्राई करता हूँ सर, उस पर ऑन करता हूँ, उस पर चेक कर लो बेटा, और इसके बाद ना अपने तौर पे भी एक वीडियो वगैरह या अपनी ऑनलाइन वीडियो बना के ना चेक कर लिया करो कि उसमें आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है, मैं भी चेक कर लूँगा दोबारा, ठीक है ना। अच्छा पैरेलल केस अब हम पढ़ेंगे, दो केस हम आगे बनेंगे, एक बनेगा पैरेलल केस, ठीक है, और एक बनेगा नॉन पैरेलल। तो सपोज करते हैं, अब एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, एग्जाम्पल करते हैं कि सॉल्व करना है हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को डी वाई और डी एक्स is equal to x minus y minus 5 divided by x minus y plus 1. Suppose करते हैं हमारे पास ये differential equation है जिसको हमने solve करें। पहली बात तो यह कि separation से solve नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि x और y जो है वो separate है, क्योंकि इसमें से देखें ना y separate नहीं हो सकता, x separate नहीं हो सकता,
और होमोजीनियस इसलिए नहीं है कि ये कॉन्स्टेंट एक्स्ट्रा, इसमें एक्स की पावर वन है, वाई की पावर वन है, मगर यहाँ पे एक्स की या वाई की पावर क्या आ गई, जीरो, तो ये होमोजीनियस में। तीसरा हमने आज जो पढ़ा है कि ये स्ट्रेट लाइन बनती है, नहीं बनती, बिल्कुल बनती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब उसके अंदर दो केस हैं, पैरेलल और नॉन पैरेलल। मैं कौन सा पढ़ा रहा हूँ? पैरेलल। कैसे पता लगेगा पैरेलल का? कि एक्स और वाई वाली टर्म सेम आए, ये इसकी पहचान, देखने दोनों में आ रही है, इसका मतलब ये होमोजीनियस है, मगर नॉन होमोजीनियस है पैरेलल केस। मगर हम चेक लाजमी करें, यहाँ पे चेक करते हैं, एम वन किसके इक्वल होगा? माइनस फार्मूले का। एक्स का क्वेश्चन क्या है? वन डिवाइडेड बाई वाई का क्वेश्चन क्या है? माइनस। ये फार्मूले का नहीं है, ये वाई का क्वेश्चन है, ये ऊपर ये जो माइनस है ये तो फार्मूले का, ठीक है, ये एफ एस सी की चीज है। तो स्लोप क्या आ गया? वन। एम टू, एम टू किसका होगा? नीचे वाले का। तो नीचे वाले क्या होगा? माइनस फार्मूले का, एक्स का क्वेश्चन वन, ठीक है, और वाई का क्वेश्चन क्या है? माइनस है। तो दोनों क्या हो गए? सेम, ठीक है। तो दिस इज केस ऑफ पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन वाला केस है, ठीक है। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से पढ़ा हो, एक्स माइनस वाई माइनस फाइव डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वन डी वाई इक्वल टू जीरो, डिफरेंशियल फॉर्म में पढ़ा हो, ये तो डेरिवेटिव फॉर्म है, अगर डिफरेंशियल फॉर्म में पढ़ाओ तो फिर ये पहली लाइन हो जाएगी, ये दूसरी लाइन हो जाएगी, बाकी चेक करने का तरीका वही होगा, इसका एम वन निकाल लें, इसका एम टू निकाल लें। तो डिफरेंशियल फॉर्म में भी क्वेश्चन हो सकता है, डेरिवेटिव में भी। अच्छा, अब यहाँ तक जब हम कर लेंगे तो ये पैरेलल लाइन का लगे, तो पैरेलल लाइन में हमने एक पुट करना है, हमने पुट ये करना है इसके अंदर, जिस हमने होमोजीनियस में किया था ना, वाई इक्वल टू एग्जैक्ट पुट कर दिया था, तो इसके अंदर भी हम कुछ ना कुछ सब्सटीट्यूट करेंगे। हम इसके अंदर पुट ये कहेंगे कि ये जो x और y वाली टर्म सेम आ रही है दोनों के अंदर, x और y वाली टर्म आ रही है, x माइनस वाई इसमें भी है, x माइनस वाई इसमें भी है, हम इसी को z के इक्वल पुट करते हैं, जो नहीं z w ले लें, t ले लें, p ले लें, जो भी लेना चाहे। आई रिपीट, नॉन होमोजीनियस केस, पैरेलल लाइंस केस। लाइंस क्या है? पैरेलल। उसमें क्या होगा कि x और y वाली टर्म सेम है, आपने क्या करना है, x और y वाली टर्म्स को सेम वाली जो टर्म आई उसको z के इक्वल, बस इसको उठा के इसके अंदर पुट कर देना है। अब जब ये यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, z माइनस फाइव आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, z प्लस वन, मगर लेफ्ट साइड को भी तो बदलना है, यहाँ पे dy वाई का dx आ रहा है, इसको भी चेंज करना है, तो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे हम किसके हिसाब से, x के हिसाब से। तो इसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो x के हिसाब से वन डेरिवेटिव आ जाएगा, y का डेरिवेटिव बनेगा dy वाई ओवर dx, और z का x के हिसाब से बनेगा dz ओवर dx वन, ठीक है। अब यहाँ से हमें चूंकि डी वाई बाई डी एक्स में पुट करना है तो इसकी भी वैल्यू निकाल लें, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा यहाँ से, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस डी जेड ओवर डी एक्स। आई रिपीट, नॉन होमोजीनियस केस, और वो केस है जिसमें पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस की पहचान होती है कि एक्स और वाई सेम होते हैं, एक्स और वाई सेम हो, मगर आपने चेक लाजमी करना है, एक्स और वाई जब सेम होंगे तो उसी चीज़ को आपने क्या ले लेना, जेड लेना। तो ये जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये जेड माइनस फाइव बन जाएगा, ये जेड प्लस वन बन जाएगा, मगर ये लेफ्ट साइड को भी बदलना है, तो उसके लिए हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे एक्स के साथ, तो ये क्या बन जाएगा वन, ये क्या बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसका क्या डेरिवेटिव बनेगा डी जेड ओवर डी एक्स, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लें, ये इसको उस साइड पर ले गए, इसको उस साइड पर ले गए, तो डी वाई बाई डी एक्स की ये वैल्यू आए, ये उठा के इसके अंदर पुट कर, तो ये बन जाएगा अब आपके पास, तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या आ गया, वन माइनस डी जेड ओवर डी एक्स आ गया, और राइट साइड पे यहाँ पे क्या आ गया, इस पूरे की जगह पे z माइनस फाइव आ गया, नीचे क्या आ गया z प्लस वन। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो वन उस साइड पे ले दें तो माइनस डी जेड ओवर डी एक्स, और यहाँ पे मज़े की काम भी आप लोग करते हैं, जब ज़्यादा अकल आ जाए ना तो उस वक्त ये भी चीज़ें होती हैं, आप वन उधर लेके जाते हैं, साथ ही वन को ये वन उधर गया ना, माइनस वन हुआ है, तो आप उठा के ये माइनस टू उधर ले जाके इसको प्लस कर देते हैं, ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ ये वन इसका साइन इस साइड पर पड़ा, ये उस साइड पर जाएगा तो माइनस वन, ये माइनस वहीं पे पड़ा जाएगा। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम वगैरह लेने के बाद तो ये जेड कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा जेड माइनस फाइव माइनस जेड माइनस वन ओवर जेड प्लस वन आ जाएगा, एलसीएम लीजिएगा, जेड कैंसिल होने के बाद ये बन जाएगा माइनस सिक्स ओवर जेड प्लस वन, और यहाँ पर क्या बना है माइनस डी जेड ओवर डी एस, और यहाँ से अगर हम डी जेड ओवर डी एस की वैल्यू निकालें तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब अगर आप इसको देखें तो ये सेपरेशन से हो सकता है, अब सेपरेशन लगा दी तो ये बन जाएगा जेड प्लस वन डी जेड इक्वल टू माइनस खत्म हो गया प्लस सिक्स डी एक्स, सेपरेशन लगा दिया, जेड प्लस वन इसके साथ चला गया डी एक्स इसके साथ, पिछली चीज़ें आनी चाहिए,
क्योंकि इसके अंदर किसी चीज़ें यूज होगी। तो ये आ गया सफिशन हो गया, तो इसको इंटीग्रेट कर लें। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा जेड स्क्वायर बाई टू प्लस जेड इक्वल टू सिक्स एक्स प्लस सी आर। जेड की वैल्यू दोबारा पुट करते हैं, जेड किसके इक्वल था, एक्स माइनस वाई। तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सिक्स एक्स प्लस सी। तो दिस इज योर क्लियर। जहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करें, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करें। एनी प्रॉब्लम बेटा? जामिन, अमान, उमर, हाँ उमर, कोई प्रॉब्लम? नो सर, ओके सर, क्लियर है। ये एक दफ़ा मैं दोबारा वो कैमरा लेके जा रहा हूँ, स्टेप पे मैं पेन रखूँगा, अगर किसी को इशू हो तो बता दीजिएगा। ये क्वेश्चन है, ये स्टेप समझ आ गया? चेक कर यस सर। ठीक है, कोई बच्चा जिसको समझ ना आया वो बोल दे। पैरेलल लाइंस आ गई, ये स्टेप समझ आ गया? क्योंकि पैरेलल में ये चीज़ें सेम होती हैं, उसी को हम जेड ले लेंगे। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव लेके यहाँ पे पुट कर दिया, डी वाई बाई डी एस इसका डेरिवेटिव है, ये जब पुट किया तो ये आ गया, इसको वन तो उधर ले। जी बेटा, जी 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 बेटा, सर जो यहाँ पर पुट x माइनस y इज इक्वल टू z, यहाँ पर आपने इसका x के थ्रू डेरिवेटिव लिया है सर? हाँ, वो असल में इसलिए लिया, देखे ना, x माइनस y z जो है वो हम यहाँ पे पुट कहेंगे तो ये क्या बन जाएगा, z माइनस 5 बन जाएगा, ये बन जाएगा z प्लस 1 बन जाएगा। तो ये भी तो चीज़ पड़ी हुई है ना, इस y को भी तो आपने z में कन्वर्ट करना है। यस सर। हाँ, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, तो ये नीचे x आ गया, तो इसका मतलब x के हिसाब से लेना है। तो यहाँ पे x के हिसाब से लिया तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया, y का क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, z क्या क्या आएगा, dz बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसको इस साइड पे ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, dy बाई डी एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और ये dz बाई डी एक्स उधर जाके जुड़ेगा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो वो यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे z माइनस 5 आ गया, यहाँ पे z प्लस 1। ठीक है अली बेटा? यस सर। उसके बाद इसको, हाँ, उसको फिर सिंप्लीफाई किया है, फिर सेपरेशन लगा दी है, तो उसको सॉल्व। अच्छा, बुक में जब आप देखेंगे तो बुक में शायद ये है ना नॉन होमोजीनियस वाला टॉपिक ना हो, तो आप नेट पे सर्च कीजिएगा और वहाँ पे लिखिएगा कि रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन, गूगल में लिखेंगे ना, वहाँ पे नॉन होमोजीनियस के नाम से भी नहीं पढ़ा होगा, गूगल पे नॉन होमोजीनियस लिखेंगे तो वहाँ पे नहीं पढ़ा होगा, वहाँ पे आप लिखिएगा रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, यानी कि ये इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस में बदल जाता है, वो इसलिए रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स पड़ी होंगी। ठीक है, क्वेश्चन भी पड़े होंगे, बुक्स में भी आप देख सकते हैं, तो उसमें क्वेश्चन पैरेलल के भी होंगे और नॉन पैरेलल के भी। ये पैरेलल का साइन होता है, ये 11 नहीं डाला मैंने, ये पैरेलल का साइन है, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन आर पैरेलल, और ये मैंने डाला कि पैरेलल नहीं है, कैंसिलेशन का निशान होता है, ये कैंसिलेशन का होता है, ये वाली लाइन कैंसिलेशन के लिए होती है, ये वाला उसके डिफरेंस के लिए होती है, माइनस करने के लिए, यानी कि अगर आप 2 में से 3 को माइनस करते हैं तो 2 माइनस 3 लिखते हैं, अगर आप कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे इस तरह कैंसिल नहीं करना, कैंसिल इस तरह होता है, तो ये कैंसिल के लिए ये लाइन होती है, यहाँ पे पैरेलल के ऊपर ये लाइन लगाई है कि नॉट पैरेलल, पैरेलल नहीं। ठीक है बेटा, तो ये रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस देखिएगा, उसके क्वेश्चन वहाँ से आपने होमो जो सेम वाले हैं पैरेलल वाले वो केस होता है। ठीक है, और बेटा इसकी पिक्चर बना लो, सर एग्जांपल आपने करवाई है, वैलिड देखो ना, पैरेलल में x माइनस y सेम आएगा ना, अगर अब देखें, अगर इसमें मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट करें, अगर मेरे पास क्वेश्चन ये हो 2x माइनस y प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस y प्लस 7, ये y डैश की टर्म, अब x और y वाली टर्म्स तो सेम नहीं आ गई ना, क्यों जाने जैसे नहीं आ रही, तो ये नॉन पैरेलल में चला गया, यहाँ से पता लग जाएगा। अब हमने चेक भी करना है, अब देखो m1 क्या आता है, m1 क्या होगा इसका, माइनस फार्मूले का x का माइनस 2 बाई माइनस 1, तो ये 2 आ जाएगा, y का क्वेश्चन माइनस वन, m2 क्या आएगा, माइनस फार्मूले का 1 बाई 1, 1 बाई 1, तो ये क्या आ गया, माइनस 1, तो देखिए माइनस 1,
तो ये देखें ये एक्स और वाई वाली टर्म सेम नहीं है, अगर ये होता ना yes, sir. अगर ये होता टू एक्स माइनस, अगर ये होता टू एक्स माइनस वाई होता तो दोनों सेम आ जाते हैं ना yes, sir. तो फिर ये पैरेलल के केस में चल रहा है, ये इसकी पहचान है डायरेक्ट. सर अगर यहाँ पर 2x माइनस y हो तो हम z के इक्वल 2x माइनस y पूरे को लेंगे या सिर्फ x माइनस y को ही लेंगे? नहीं ना बेटा, x माइनस जो चीज सेम होगी उसको ले, इसमें हम 2x माइनस y को z के इक्वल ले, और जब x के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये dy बाय dx हो जाएगा, ये dz हो जाएगा. यस सर क्लियर. और एक भी और यस सर ऐसे ही होगा जी. उमेश बेटा आप कुछ कह रहे हो? जी सर ऐसे ही होगा, मैं कह रहा हूं डेरिवेटिव की समझ आ गई है. ठीक है, अब एक काम आप लोगों ने और करना है, इसकी एक्सरसाइज तो बुक में नहीं होगी तो आपने नेट पे सर्च करना है रिड्यूसिबल टू, मैंने भी लिख दिया था तो रिड्यूसिबल टू, मैंने तो कहा गया ये लिखा था रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे तो उसके बुक्स में भी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, नेट पर मिल जाएंगे. और इसमें देखें एक चीज़ और याद रखिए कि जब आप मैथमेटिक्स का काम करते हैं तो ये जरूरी नहीं होता कि एक्सरसाइज में अगर 30 क्वेश्चन है तो 30 के 30 आप लोगों ने करें, मतलब सिर्फ ये होता है कि आपको चीज़ समझ आनी चाहिए. आप एक क्वेश्चन करें, दो तीन क्वेश्चन छोड़ के रेंडमली क्वेश्चन उठा लें कोई से, वो आप करने की कोशिश करें. जब आपसे क्वेश्चन जुबानी होने लग जाए बगैर देखे रजिस्टर को या कोई हिंट लिए बगैर अगर आपसे क्वेश्चन हो जाता है, इट मींस कि आपका होल्ड उस पर हो गया. फिर आप क्या किया करें, दूसरे को समझाने की कोशिश करें, उससे क्या होता है कि आपका कंसेप्ट और ज़्यादा पक्का हो, ठीक है ना. तो ये तकनीक होती है मैथमेटिक्स को, ये नहीं कि 40 क्वेश्चन 40 के 40 ही करने बैठे और सर को अलहदा सुनाते रहो कि सर ने इतने क्वेश्चन लिए. तो हमारा मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों को तंग करना, हम कहते हैं सिर्फ प्रैक्टिस, एक कर लें दो क्वेश्चन कर लें जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको समझ आ जाए तो आप कहेंगे हाँ जी ठीक है इससे हम कर लें, तो बस आप छोड़ दें. जी बिल्कुल सर, पैरेलल और नॉन पैरेलल दोनों के एग्जांपल देखने हैं सर. अभी पैरेलल, अभी हमने केस किया पैरेलल का, अब पैरेलल समझ आएगा तो नॉन पैरेलल समझ आए, क्योंकि आप देखिए वैसे मैंने आपने सिर्फ पैरेलल कराया लेकिन यहाँ पे जो है ना आपने पैरेलल और नॉन पैरेलल दोनों के साइन किए थे तो मैंने सोचा कि ज्यादा मैंने समझा दिया. देखो समझाना तो मैंने दोनों था ना, कि आगे हमने नॉन पैरेलल भी पढ़ना है. अब देखो हमने पहला पढ़ा सेपरेशन, पहले हमने पढ़ा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, फिर हमने पढ़ा होमोजीनियस, अब नॉन होमोजीनियस, ठीक है ना. अब जब हम नॉन होमोजीनियस करेंगे तो जो नॉन पैरेलल वाला केस कहेंगे ना, तो नॉन होमोजीनियस को हम पहले बदलेंगे होमोजीनियस में, फिर उसको बदलेंगे हम सेपरेशन में. तो ये पिछली टेक्निक्स आएंगी तो आप आगे इस्तेमाल करें. नॉन होमोजीनियस जो आएगी ना, नॉन पैरेलल वाला केस जब आएगा तो उसमें हम नॉन होमोजीनियस को होमोजीनियस में बदलेंगे. तो ये याद रखिए कि पिछला आना चाहिए, पिछला नहीं आएगा तो आगे कोई फायदा नहीं. तो पैरेलल वाला केस इसलिए समझाया कि ये आपका ईजी है थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा तो फिर आपको दूसरा समझ आएगा, ठीक है. तो एक बेटा एक्स्ट्रा क्लासेस भी रखनी, पहले आप लोगों ने क्लासेस बड़ी मिस कर दी है, एक्स्ट्रा क्लासेस हर वीक में दो दो रखें ना, डेढ़ घंटे की एक क्लास तो लास्ट में रखें. ईद वाली तो सीआर ही करेगा सर, ईद वाली छुट्टियाँ भी कर दी, बस सीआर को बता देना, ठीक है. चले और कुछ प्रॉब्लम नहीं तो फिर क्लास एंड कर दें. अगर सर पिक्स भेजिएगा सर इसकी, या ये आप पिक ले सकते हो, आप हो जाएगी पिक जैसे ले सकते हैं, अभी ले ले सर, ले ले. ये देखो आप जो आ जाती है, देखो कैमरा सही होगा, मैं कैमरा को सेट करूँ. चलो मैं पिक्चर लेके चला, मैं भेज दूँगा, ठीक है, मैं करके देख, ठीक है. ओके फिर, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ सर. अगली क्लास से पहले ये काम करते हैं. यस सर. ओके.